नमस्ते बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग रक्त और हमारा शरीर, रक्त और हमारा शरीर पाठ का सारांश देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग दो पैराग्राफ का सारांश पढ़ चुके हैं। डियर चिल्ड्रेंस, टुडे वी आर गोइंग टू रीड दी समरी फॉर द लेसन रक्त और हमारा शरीर, ब्लड एंड आवर बॉडी। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द समरी फॉर फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, इवन तो आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम बिगिनिंग। मैं पहले से ही आप लोगों को एक बार सारांश पढ़ाकर सुना देता हूँ। रक्त और हमारा शरीर। अनिल और दिव्या भाई बहन थे। दिव्या बहुत कमजोर थी। कुछ दिनों से उसे थकान महसूस होने लगी, किसी काम में मन नहीं होता था और भूख भी नहीं लगती थी। अनिल और दिव्या अस्पताल को जाते हैं डॉक्टर दिव्या को खून की जांच करवाने के लिए बोलते हैं। अनिल के जान पहचान का एक डॉक्टर दीदी उसी अस्पताल में काम करती थी। डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से खून निकालकर स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जांच करती है। फिर अनिल से बोलती है कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। डॉक्टर दीदी बोलती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, दवा लेने पर ठीक हो जाएगी। अनिल एंड दिव्या बोथ आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिव्या सीम्स टू बी वेरी वीक। शी यूज्ड टू गेट टायर्डनेस। शी डिड नॉट गेट एनी इंटरेस्ट इन एनी वर्क एंड शी डिड नॉट गेट हंग्री ऑल्सो। दिव्या एंड अनिल वेंट टू हॉस्पिटल। डॉक्टर चेक्ड दिव्या एंड टोल्ड हैड टू टेक ए ब्लड टेस्ट। अनिल न्यू वन डॉक्टर वेरी वेल इन लैब। दैट डॉक्टर टुक ए ब्लड फ्रॉम दिव्यास फिंगर इन ए स्लाइड एंड टेस्टेड थ्रू माइक्रोस्कोप। द डॉक्टर टोल्ड अनिल, सी अनिल, योर सिस्टर गॉट एनीमिया बट डोंट फियर, शी विल बी क्यूर्ड बाई taking medicines. Anil डॉक्टर दीदी से सवाल पूछता है कि ये एनीमिया क्या होता है। डॉक्टर दीदी बोलती है कि पहले तुम्हें रक्त की जानकारी होना चाहिए। डॉक्टर दीदी बोलती है कि अगर हम लोग इस रक्त को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो लाल दिखाई देगा। रक्त तीन भागों में बांटा हुआ है, प्लाज्मा, लाल कण, सफेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण। अनिल आस्क्ड वन क्वेश्चन टू डॉक्टर, व्हाट इज मेंट बाय एनीमिया। डॉक्टर टोल्ड टू अनिल, बिफोर गोइंग टू नो अबाउट एनीमिया यू मस्ट नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ ब्लड। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज प्लाज्मा, सेकेंड इज रेड ब्लड सेल्स, थर्ड वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट सेल्स। डॉक्टर खून को भानुमति का पिटारा कहती है। डॉक्टर सेड द ब्लड इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। डॉक्टर बोलती है कि लाल कण में बहुत सारी बालूशाही होती है, यानी कि रेत के छोटे छोटे पत्थरों को ही बालूशाही कहते हैं। एक मिलीमीटर रक्त के बूंद में 40 से 55 लाखों कण होते हैं। इसी के कारण रक्त लाल दिखाई देती है या लाल कण दिन रात शरीर में काम करती है। ऑक्सीजन को शरीर के हर एक हिस्से को पहुंचाती है। इनके जीवन काल 4 महीने का होता है। धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए कण उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें पौष्टिक आहार जैसे दूध, अंडा, हरी सब्जी, फल अधिक मात्रा में खाना चाहिए। हड्डियों के बीच मज्जा के लिए भी सारी पौष्टिक आहार खाना चाहिए। अगर पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो लाल कण में रक्त कम हो जाएगी और एनीमिया जैसे बीमारी आ जाएगी। डॉक्टर टोल्ड अनिल, सी अनिल, देर आर नंबर ऑफ सेल्स इन रेड ब्लड सेल्स। द सेल्स लुक्स लाइक ए स्टोन्स ऑफ सैंड। इन 1 मिलीमीटर ऑफ ब्लड
There are 40 to 55 lakhs of cells. That's why the blood looks red in color. This red blood cell works day and night in our body. It sends the oxygen to all parts of our body. Its life span is 4 months only. Slowly they are destroyed and new cells forms and replaces its place. That's why we have to take energetic food items like eggs, fruits, green vegetables and milk. If you don't take energy food items, the cells in the blood becomes less and you may suffer from the disease like anemia. We have to consume proteins, vitamins and ions to develop the blood contents in our body. अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए. खाने से पहले हाथ धोना चाहिए. पेट में कीड़े होने के कारण भी अनीमिया हो सकता है. नंगे पैर घूमने पर और गंदे पानी और खराब खाना प्रयोग करने पर कीड़े हमारे शरीर में घुस जाता है और हमें अनीमिया हो जाता है. वी हैव टू टेक एनर्जी फूड आइटम्स टू अवॉइड अनीमिया. And also we have to wash our hands before taking food. Worms in stomach also leads to anemia. Walking without chappals, drinking unclean water and food also allows worms to enter in our body and leads to anemia. सफेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही है जो हमें रोगों से बचाती है. White blood cells works as a soldiers in our body and protects us from disease. चोट लगने पर रक्त को बाहर जाने नहीं देती बल्कि रक्त को जमाव कर देती है. यही है भिन्नवाणु का काम. The work of platelet cells is to clot the blood and they will not allow blood to flow outside easily. Plasma एक मकड़ी का जाल बनाने में मदद करती है जिसमें भिन्नवाणु घुसकर रक्त को बाहर बहने नहीं देती. प्लाज्मा क्रिएट्स ए स्पाइडर नेट इन विच द प्लेटलेट सेल्स टेक्स प्लेस एंड स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अवर बॉडी. डॉक्टर अनिल से कहती है कि अगर किसी को चोट लगकर खून बहने लगती है तो हमें एक साफ कपड़ा से घाव को बांध देना चाहिए और तुरंत अस्पताल को ले जाना चाहिए. खून की कमी होने पर खून चढ़ाना पड़ता है. एक ही समूह वाला खून ही चढ़ाना चाहिए. बड़े बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक स्थापित किया गया है जिससे हमें जरूरत समय पर खून मिल सकता है. रक्त को इकट्ठा करके रखने के स्थान को ही ब्लड बैंक कहते हैं. हमारे शरीर में 5 लीटर रक्त रहता है. अगर किसी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकालने पड़े तो केवल 300 मिलीमीटर ही लेना है. 18 साल के बाद ही एक व्यक्ति रक्तदान कर सकता है. अब अनिल डॉक्टर दीदी से कहता है कि मैं भी बड़ा होकर रक्तदान करूँगा. डॉक्टर स्टार्टेड टेलिंग टू अनिल सी इफ एनीवन गेट्स हर्ट एंड ब्लीडिंग फर्स्ट वी हैव टू टाई ए क्लॉथ on the wounded place and then we have to take a patient to the hospital. If blood is reduced in patient's body, then we have to insert blood to him. Same blood group only we have to insert to the patient. Nowadays in big hospitals, the blood bank is available. In case of emergency, we can borrow blood from the blood bank. 5 liters of blood are there in our body. If a person wanted to donate blood, then he have to donate only 300 ml of blood. After 18 years, we are eligible to donate blood. At last, Anil told to doctor, I also donate blood after 18 years. After 18 years, बोल बच्चों यही है रक्त और हमारा शरीर पाठ का सारांश. दिस इज द समरी फॉर द लेसन रक्त और हमारा शरीर. थैंक यू चिल्ड्रंस. धन्यवाद.